दोस्तों आज आपको ये जानकारी देंगे, ये जो पौधा आपको दिख रहा है तो ये इसे कहते हैं सीज का कांटा या सीज का पौधा। कितने लोग जो है अपने घर पर इसे बिल्कुल नहीं लगाते हैं। दोस्तों इसका अधिक जानकारी आपको मिलेगा। इसका आप जिस तरह के लीमू मिर्चा अपने दुवारे में टांगते हैं बिल्कुल उससे कहीं ज्यादा ये काम करता है। और इसका औषधीय गुणों से आप यदि जानेंगे इसके बारे में तो आप सोचेंगे कि हम इतना दिन मिस क्यों किए, इसे हम क्यों नहीं लगाएं। तो सबसे पहले इसका जानकारी देने से पहले थोड़ा सा हम अपने घर पर दिखाना चाहते हैं कि इसे हम कैसे लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा घर, ये रहा हमारा घर, ये है मेन गेट और ये है छोटा दुवारी, यानी कि छोटा गेट के सामने भी हम इसे लगाए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसे हम नाद बनाए हुए हैं। जो यदि आपके घर में ऐसा सुविधा है, इस तरह का सुविधा है, तो इस तरह का नाद आप यदि बनाते हैं और इससे पशु पंछी गाय जो है पानी पीता है, तो कहते हैं ना कभी इतना धर्म आप नहीं किए होंगे जितना धर्म केवल पानी पिलाने से है। इस तरह का नाद अपने दुगारी पर रखे हुए हैं, जो हमेशा देहाती गाय, छोटे छोटे जो गाय है आकर इसमें पानी पीता है। ऐसा नहीं कि केवल गाय ही पीता है, चिड़िया चुलबुल भी पीता है और कुत्ते भी कभी कभी देखते हैं इसे पी लेता है। दूसरा है जो ये हम दुगारी में, मेन दुगारी में जो कांटा लगाए हुए हैं, तो इसका क्या है रीजन? जो दुगारी में, यदि आपके दुगारी में किसी भी तरह से नजर दोष है, क्योंकि दोस्तों आप किसी का मारते हुए लाठी रोक सकते हैं पर जो नजर का जो तीर निकलता है उससे आप कोई इंसान नहीं बचा है। आपको याद होगा कोई यदि सीरियल आप देखे होंगे भगवान जी का, कृष्ण भगवान का भी नजर लगता था, जो राधा माँ जो है उसे भी झाड़ा लगाती थी। तो दोस्तों इस तरह का सीज जो कुदरती देन भगवान इसे बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया है। तो दोस्तों मेरा कहने के मतलब है कि ये सीज के कांटा भी अपने घर पर आप लगा सकते हैं, और लगाने में इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि इसमें खाद पड़ता है। ये केवल यदि एक बार पानी दे देते हैं तो आपको महीना दिन भी इसमें पानी नहीं देंगे, तो ये आराम से अच्छा से ये बढ़ता रहेगा। दूसरा है, अब आ जाए इसका, यदि आपको किसी का घर में डिलीवरी हुआ है अपना फैमिली में, तो उसका दुगारी में भी इस तरह का कांटा आप यहां से कटिंग कर लें, कांटा भी दुगारी में लगा दें। इससे क्या होगा, कभी भी बुरी शक्ति अंदर प्रवेश नहीं करता है। दूसरा, अब इसका बताते हैं इसका गुण, जो पत्ते का इसका क्या गुण है। यदि आपके घर में अचानक से कान में दर्द होने लगा तो उससे क्या होता है, और दर्द कान में कब होता है, ये रात के समय होता है और रात में कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो जो कान का जो इन्फेक्शन होता है, जो हम लोग अचानक से कांटी डाल देते हैं या कुछ से कान को खुजला देते हैं, तो इन्फेक्शन के कारण से हमारे कान में दर्द होने लगता है। तो दोस्तों इसे आप क्या करें, इस पत्ते को हल्का गर्म करके और हाथ में निचोड़कर, जैसे कि हम हल्का सा तोड़ के दिखाना चाहते हैं, जैसे कि इतना पत्ता हम तोड़ लिए और इसे जब गर्म करेंगे ना, गर्म करने के बाद इसमें हल्का हल्का पानी निकलने लगेगा इस तरह से बिल्कुल, और इसे दो बूंद अपने कान में डाल देते हैं तो उससे आपका कान का दर्द जो है शांत हो जाता है और हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो दोस्तों अभी अभी देख सकते हैं गाय आया है और पानी पी रहा है। दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये था कि इस तरह से अपने अपने घर में पौधा लगाते हैं। घर में इसे नहीं लगाना है तो आप इस तरह के मेन दुगारी में लगा दें, ताकि कभी भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश ना करेगा। और आपके घर में कभी भी नजर, यदि कोई कड़ा नजर भी लगाता है तो वो कड़ा नजर भी हट जाएगा, यानी खंडित हो जाएगा, इतना इसमें कांटा रहता है। और सीज का पौधा कहता है दुगारी में लगाना ही चाहिए। अब लगाने का थोड़ा विधि बता देते हैं कि इसे लगाना बिल्कुल आसान है। तो जैसे कि हम यहाँ से कट कर लेते हैं, इस जगह से हम कट कर लेते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इससे जो है दूध निकलना स्टार्ट हो जाता है, और इसे आप कहीं से भी लगा दें तो ये पौधा आपका तैयार हो जाता है। और थोड़ा दोस्तों सावधानी से काटें, क्योंकि देख सकते हैं ये जो हमारा कांटा इसका गड़ चुका है।
और इसका यदि आपको कांटा गड़ गया है तो घर में यदि किरासन तेल होगा तो इसमें आप डाल दें, यदि आपके घर में डिटोल होगा तो इसके अंदर डाल दें, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। यदि कुछ भी नहीं है तो तेल गर्म करके इस उंगली में टपका लें तो आपका विख नहीं लगेगा। तो दोस्तों यदि पेड़ पौधा के बारे में हम कुछ जानकारी देते हैं या बताते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे हाथ में भी या कहीं भी लग सकता है। सावधानी इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक अंग में इसका कांटा होता है। तो अब आते हैं, चलिए थोड़ा सा इसे हम लगाकर दिखाते हैं। बस दोस्तों इस तरह से गड्ढे कर लीजिए और ये ठीक दीवार के सामने में इसे लगा दें, यानी कि आपके दुगारी में इसे बाहर ही, घर पे नहीं, बाहरी लगाएं। घर पे कब ले जाना है, जब आपको लगे कि हमारा घर में किसी का बच्चा हुआ है तो केवल उस समय ले जाएं और उसके बाद आप जो है उसे निकाल कर फेंक दें। बिल्कुल आसानी से इस लग जाता है, केवल इसमें पानी चाहिए और जमीन में यदि एक बार जड़ पकड़ लिया तो इसमें पानी भी नहीं चाहिए। इस तरह से अपने घर पर आप पौधा लगा दें, ये बहुत ही अच्छा और बहुत साल तक ये पौधा रहता है। दोस्तों इस तरह का जो जानकारी दिए हैं, यदि थोड़ा भी अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि इसमें से किसी भी चीज का यदि आप कर सकते हैं, या गाय को पानी पिला सकते हैं, या आप उसे कुछ सेवा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमारा कुछ यदि बात आपको पसंद आया तो हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।